बच्चों, जब आपको आपकी मम्मा या आपकी टीचर कोई काम देती हैं, तो क्या आप उसको पूरी मेहनत और लगन से करते हो? अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर वो काम पूरा होता है और हर उस काम में हम सफल होते हैं जिसे हम पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन से करते हैं। और अगर कोई अपना काम अधूरे मन से करता है या उस काम में से बचने की कोशिश करता है, तो उसका क्या परिणाम होता है, वही बताने के लिए आज मैं आपकी हिंदी की टीचर चित्रा बंसल आपको आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास का एक अगला पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है शेर को सवा शेर, जिसका मतलब है किसी बुद्धिमान या चालाक व्यक्ति का सामना उससे भी अधिक बुद्धिमान या चालाक व्यक्ति से हो जाना। कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। मैं पढ़ूंगी और आपको भी मेरे साथ साथ पढ़ना है। एक था रामधन, वह नमक बेचता था। वह नमक के बोरों को गधों पर लाद देता और आसपास के गांवों में बेचने चला जाता। आपको मालूम है बच्चों कि आजकल तो सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रक, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, इन सब का इस्तेमाल होता है, पर किसी समय में सामान लादने के लिए पशुओं का इस्तेमाल किया जाता था। जानवरों की पीठ पर सामान लादकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता था। तो यहाँ इस कहानी में जो रामधन था वो क्या करता था, नमक बेचता था। और नमक को वो कैसे लेकर जाता था आसपास के गांवों में बेचने, उसके पास एक गधा था और वो उसकी पीठ पर नमक के बोरों को रखता और ले जाता। रामधन के गांव के बाहर एक नाला था, उस पर एक छोटा सा पुल बना हुआ था। पुल के दोनों ओर कोई दीवार नहीं थी। रामधन प्रतिदिन, मतलब हर रोज, उसी पुल के ऊपर से होकर नमक बेचने जाता था। तो बच्चों क्या बेचता था रामधन? नमक। और कैसे लेकर जाता था नमक को? अपने बोरों में भरकर और उन बोरों को गधे की पीठ पर लादकर ले जाता था। एक दिन रामधन अपने गधे के साथ उस पुल पर से गुजर रहा था। एकाएक गधे का पैर फिसला और वह धड़ाम से नाले में जा गिरा। रामधन ने शोर मचाया, अरे मेरा गधा, अरे मेरा गधा गिर गया, कोई बचाओ, कोई बचाओ। तो क्यों गिरा गधा, कैसे गिरा? उसका पैर फिसल गया और वो कहाँ जाकर गिरा? नाले में। इधर उधर लोग इकट्ठा हो गए। जब तक सबने मिलकर गधे को बाहर निकाला, तब तक बोरों का सारा नमक पानी में घुल गया था। बोरों में क्या था? नमक। और जब नमक के बोरे पानी में गिरेंगे तो क्या होगा? नमक तो पानी में घुल जाएगा। गधा पानी से निकला, दो चार कदम चला। अरे ये क्या हुआ, उसकी पीठ का बोझ तो बिल्कुल हल्का हो गया। गधा बहुत खुश हुआ। पीठ का बोझ हल्का क्यों हुआ? क्योंकि जो उसके पीठ पर नमक के बोरे लदे हुए थे, नमक तो सारा पानी में घुल गया, तो उसका सारा बोझ खत्म हो गया, तो वो खुश होने लगा। अगले दिन रामधन फिर नमक लेकर उसी पुल से जा रहा था। गधे ने नाले को देखा और सोचा, आज भी बोझ हल्का कर लिया जाए। वह नाले में कूद गया, फिर सारा नमक पानी में घुल गया। गधा बहुत खुश हुआ। क्यों खुश हुआ होगा गधा? क्योंकि उसका बोझ फिर से कम हो गया, उसको पीठ का बोझ भी हल्का लगने लगा। किंतु रामधन ने उसे देख लिया, वह गधे की चालाकी समझ गया। उसने मन ही मन कहा, अरे मैं तो समझता था कि तू निरा गधा ही है, पर तू तो बहुत चालाक निकला। निरा गधा मतलब मूर्ख, जो व्यक्ति मूर्ख होता है, बेवकूफ होता है, या जिसको समझ कम होती है, उसे कहा जाता है कि वो तो निरा गधा है, पर रामधन का गधा तो बहुत समझदार निकला। अगले दिन रामधन ने बोरों में ढेर सारी रुई भरी और गधे पर लाद दी। जैसे ही वे पुल पर पहुंचे, गधे ने फिर छलांग लगा दी। कहाँ छलांग लगा दी?
नाले में। क्या सोचकर छलांग लगाई होगी उसने कि फिर से उसका बोझ हल्का हो जाएगा, नमक सारा पानी में घुल जाएगा। पर इस बार क्या होगा, चलो आगे देखते हैं। आसपास के लोगों के लिए अच्छा खासा तमाशा हो गया, लेकिन रामधन पर दया करके उन्होंने गधे को बाहर निकाल दिया। रूई में ढेरों पानी भर गया। गधा पानी से निकलकर बाहर खड़ा हुआ। उसे लगा कि उसकी पीठ बोझ से टूट जाएगी। पीछे से रामधन ने कि एक से जो काम उसे दिया जाएगा उसे वो मेहनत से, ईमानदारी से और मन लगाकर ऐसा करेगा, क्योंकि कभी भी में अपने मालिक से नमक तो घुल जाता है लेकिन रुई रुई तो सारे पानी को अपने अंदर ले लेती है। रुई के अंदर पानी भर गया और वो बहुत भारी हो गई। अब गधे ने जो सोचा था उससे उल्टा ही हुआ। उसने जो सोचा था पानी में छलांग लगाएगा और अपना बोझ कम कर लेगा, पर ये तो बोझ बहुत अधिक बढ़ गया। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ। उसने उसे दिन प्रतिज्ञा की कि वह मेहनत से कभी जी नहीं चुराएगा। प्रतिज्ञा की मतलब उसने कसम खा ली कि आगे से वह अपना काम हमेशा ईमानदारी से करेगा और कभी भी मेहनत करने से जी नहीं चुराएगा। तो बच्चों, क्या सीखा हमने इस कहानी से कि हम हमेशा अपना काम मेहनत से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे और सही समय पर करेंगे। तो आजकल जब आप घर पर हो और आपको पता है कि आप किस वजह से घर पर हो, तो हमारा क्या काम है कि हम साफ सफाई रखें, जल्दी जल्दी हाथ धोएं और बाहर ना जाएं। ठीक है, तो अपना ध्यान रखना है और अपने आसपास सबका ध्यान रखना है। अगला पाठ पढ़ने के लिए जल्दी मिलेंगे।